अनाथ बच्चों को कौन बचाएगा। चिंटू और मीना दो भाई बहन थे। एक साल पहले उनके माता पिता की कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। अब वो दोनों अपने चाचा सोहन और चाची कामनी के साथ रहते थे। सोहन और कामनी का भी 8 साल का एक बेटा था। वो बहुत ज्यादा शरारती था। कामिनी चिंटू और मीना से घर का सारा काम करवाया करती थी और कोई गलती हो जाने पर उनकी बहुत पिटाई किया करती थी। सोहन शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसे बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अच्छा कामनी, मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ, तुम बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। अरे आपको बच्चों की देखभाल में कोई कमी लग रही है क्या? तुम तो चले जाते हो शहर काम करने, मुझे अकेली को इन तीनों बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। अरे मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था। ठीक है अब मैं निकलता हूँ, इस बार 2-3 महीने के बाद ही वापस आऊँगा। ऐसा बोलकर सोहन वहाँ से चला जाता है। सोहन के जाते ही कामिनी मीना और चिंटू को काम पर लगा देती है और खुद आराम से घर में बैठकर टीवी देखती रहती है। एक दिन मीना बर्तन धो रही थी तभी उसके पास उसकी चाची कामिनी आती है। अरे ओ महारानी, इतने आराम से बर्तन धोएगी तो घर की सफाई कौन करेगा? चल जल्दी जल्दी हाथ चला और ध्यान रहे कोई भी बर्तन गंदा नहीं रहना चाहिए। जी चाची जी, मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और वो तेरा भाई चिंटू का है? कितनी देर पहले उसे बाजार से सामान लाने भेजा था, अभी तक वापस नहीं आया। चाची जी बाजार में बहुत भीड़ होती है, इसलिए सामान मिलने में थोड़ा समय लग जाता है। तू मुझे मत समझा, समझी ना, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल जल्दी अपना काम कर। जी चाची जी। तभी वहाँ चिंटू भी सामान लेकर आ जाता है। कहाँ मर गया था रे तू, इतनी देर लगती है सामान लाने में? लगता है कल की मार का तेरे पर असर खत्म हो गया है। चाची जी बाजार में बहुत भीड़ थी इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा चल अंदर जाकर ये सामान रख दे और अंदर जाकर झाड़ू लगा। मीना और चिंटू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। वो दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे और कामिनी का बेटा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो अपने स्कूल का सारा काम मीना और चिंटू से ही करवाया करता था। मीना और चिंटू जब स्कूल से आते, कामिनी तभी उन्हें घर के कामों में लगा दिया करती थी। कामिनी पूरा दिन उन दोनों से घर का कुछ न कुछ काम करवाती ही रहती थी और खाने के लिए बचा कुचा खाना ही देती थी। दूसरी तरफ कामिनी का बेटा राहुल बहुत जिद्दी और बिगड़ैल था। कामिनी उसकी हर फरमाइश को पूरा किया करती थी। मीना दीदी, चाची हमें इतना क्यों मारती है? और राहुल जो भी मांगता है उसे लेकर देती है, लेकिन हमें तो अच्छे से खाना भी नहीं देती। कोई बात नहीं चिंटू, एक ना एक दिन वो हमें भी अपने बेटे के जैसे ही प्यार करेंगी। रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले दिन एक इंश्योरेंस एजेंट उनके घर आता है। नमस्ते कामिनी जी, मीना और चिंटू कैसे हैं? नमस्ते जी, वो दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। आखिर मेरे होते हुए उन्हें किसी चीज की कमी हो सकती है क्या? ये तो अच्छी बात है, आप उन दोनों को बुला दीजिए। लगता है दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होंगे। आप ये पॉलिसी के पैसे मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही उनको दे दूंगी। देखिए कामिनी जी, ये पैसे तो हमें बच्चों को ही देने होते हैं, आप कृपया करके उन्हें बुला दीजिए। ठीक है, मैं अभी उनको बुला देती हूँ। कामिनी उन दोनों बच्चों को बुलाती है। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम? तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? अरे मैंने कहा ना आपको, बच्चे हमारे साथ बहुत खुश हैं। आपको क्या लगता है कि मैं इनसे घर का काम करवाती हूँ या इनको मारती पीटती हूँ? अरे नहीं कामिनी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बच्चों से ऐसे ही पूछ रहा था। और वो एजेंट बच्चों को पॉलिसी के पैसे देकर चला जाता है। उसकी जाते ही कामिनी बच्चों से वो सारे पैसे छीन लेती है। चलो अब अपना काम करो। और वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह, मेरी शॉपिंग के पैसे आ गए, अब मैं अपने और राहुल के लिए अच्छे से नए कपड़े लेकर आऊंगी। मीना दीदी, आप अंकल को क्यों नहीं बताती कि चाची हमसे बहुत काम करवाती है और हमारे पैसे भी छीन लेती है? नहीं चिंटू, अगर हम ऐसा करेंगे तो चाची हमें घर से निकाल देगी और हम स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। इसी तरह वो दोनों बच्चे अपनी चाची का जुल्म सहते हुए घर का सारा काम करते थे।
एक दिन मीना और चिंटू बाजार से सामान ला रहे थे, तभी गांव की दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे देखो तो, इस कामिनी ने इन फूल जैसे बच्चों की क्या हालत कर दी है। अरे मैंने तो सुना है वो घर का सारा काम इन दोनों से ही करवाती है, और जो पैसे बैंक से आते हैं वो भी रख लेती है। वो तो इन दोनों से इसकी जायदाद हड़पना चाहती है। उन दोनों औरतों की बातें सुनते हुए मीना और चिंटू चलते जा रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई सहारा नहीं था। दूसरी तरफ कामिनी सोच रही थी, अगर मैं इन दोनों बच्चों को यहाँ से भगा दूँ तो सारी प्रॉपर्टी की मालकिन तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन इन्हें यहाँ से भगाऊं कैसे? या फिर इन दोनों को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही विदा कर दूं? अगले दिन कामिनी चिंटू और मीना को अपने साथ एक नदी के पास ले जाती है। ये बढ़िया जगह है इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए, अब इन दोनों को नदी में धक्का दे देती हूँ। चाची जी, आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? अरे मैंने सुना है कि इस नदी में बहुत सुंदर मछलियाँ रहती हैं, बस तुम्हें वही दिखाने लाई हूँ। अरे वाह, मुझे भी मछली देखनी है। तो चलो हमें नदी के थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा मछली देखने के लिए, चलो चलो मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों बच्चे कामिनी के साथ नदी में जाने लगते हैं कि तभी अचानक कामिनी का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। नदी बहुत गहरी होने के कारण कामिनी पानी में डूबने लगती है। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। तभी मीना को पास में एक रस्सी पड़ी दिखती है और वो उसे कामिनी के पास फेंकती है। चाची जी, आप इस रस्सी को पकड़ लो। कामिनी रस्सी को पकड़ लेती है और मीना और चिंटू दोनों मिलकर उसको नदी से बाहर निकाल लेते हैं। मुझे माफ कर दो बच्चों, तुमने आज मेरी जान बचाई और मैं यहाँ तुम लोगों को डुबाने आई थी। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितनी लालची और बुरी हूँ। लेकिन चाची, हमने तो हमेशा ही आपकी बात मानी है, फिर भी आप हमें मारना चाहती हो। लालच के नशे में मैं अंधी हो गई थी बच्चों, मैं तुम्हारी सारी जमीन जायदाद हड़पना चाहती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दो बच्चों। इस हादसे की वजह से कामिनी बिल्कुल सुधर जाती है और वो मीना और चिंटू का अपने बेटे के जैसे ही ख्याल रखने लगती है। ये कहानी राधा और दीपू नाम के भाई बहन की है, जो अपनी दादी के साथ मधुबन नामक गांव के पास बसी एक बस्ती में रहते थे। उस बस्ती में रहने वाले सभी लोग बहुत गरीब थे और वो सब मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। राधा और दीपू के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, वो दोनों अपनी दादी गायत्री के साथ रहते थे। गायत्री गुब्बारे बेचा करती थी और उससे जो कुछ भी वो कमा पाती थी बस उसी से उनका घर चलता था। राधा और दीपू भी अपनी दादी के साथ गुब्बारे बेचा करते थे। अब उन दोनों के लिए उनकी दादी गायत्री ही उनकी माँ बाप थी। वो दोनों अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। ठंड का मौसम आ गया था। एक दिन गायत्री दोनों बच्चों राधा और दीपू से बोलती है, मैं बाजार गुब्बारे बेचने जा रही हूँ, तुम दोनों घर में ही रहना, बाहर बहुत ठंड हो गई है, यहीं आग जलाकर बैठना। दादी आप भी बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ठंड है और बादल भी हो गए हैं, मुझे लगता है आज बारिश होने वाली है। घर में खाने को कुछ नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम दोनों घर पर ही रहना। ऐसा बोलकर गायत्री गुब्बारे बेचने बाजार जाती है, लेकिन बाहर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंड के मारे गायत्री के हाथ पैर भी सुन्न हो रहे थे। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। गायत्री रेलवे स्टेशन पर गुब्बारे बेचती थी। हे भगवान, आज कितनी ठंड है, आज कैसे भी ये सारे गुब्बारे बिक जाएं, तो राधा और दीपू के लिए कुछ गर्म कपड़े भी ले लूंगी, वो बेचारे भी इस ठंड में ऐसे ही घूमते रहते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है, अभी गायत्री के कुछ ही गुब्बारे बिके थे। कुछ ही देर में बारिश भी होने लगती है और गायत्री ठंड में भीगते हुए घर पहुँचती है। दादी आप तो पूरे भीग गए हो और ठंड से कांप भी रहे हो, बाहर बहुत ठंड है ना? गायत्री बारिश में भीग गई थी, ऊपर से इतनी ठंड, वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी। दीदी तुम जल्दी से आग जलाओ ना।
राधा बाहर से लकड़ियां लाती है और आग जलाती है। गायत्री को ठंड लगने से बहुत तेज बुखार हो जाता है। दादी, आपको तो बहुत बुखार हो गया है। राधा की दादी बुखार से बोल भी नहीं पा रही थी। अगली सुबह, दीपू, दादी को बहुत बुखार हो गया है और घर में खाना भी नहीं है, तो आज गुब्बारे बेचने चला जा, मैं घर पर दादी का ध्यान रखती हूँ। ठीक है दीदी, मैं गुब्बारे बेचने चला जाता हूँ। और दीपू गुब्बारे बेचने चला जाता है। बाजार में लोग सर्दी से बचने के लिए मोटे कपड़े पहनकर आए थे, लेकिन उन सब लोगों के बीच दीपू ने पतले से कपड़े पहने हुए थे और पैरों में कुछ भी नहीं पहना था, और उन सब लोगों के बीच वो गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। वहाँ एक छोटी सी बच्ची गुब्बारों को देखकर दीपू के पास आती है और वो गुब्बारे देखकर बहुत खुश हो रही थी। तुम्हें गुब्बारा चाहिए? हाँ। तभी उस लड़की के माँ पापा वहाँ आ जाते हैं और उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेते हैं। काव्या, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार बोला है, ऐसे बिना पूछे इधर उधर नहीं जाते बेटा। सर, इसको गुब्बारे चाहिए, कितने दूँ? कुछ नहीं चाहिए। और वह आदमी अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उस आदमी की पत्नी भी वहाँ आ जाती है और वो दीपू को ऐसे ठंड में बिना जूतों के और पतले कपड़ों में देखती है। इधर अभी तक दीपू का एक भी गुब्बारा नहीं बिका था और वो बहुत उदास भी लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ऊपर से उसकी दादी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तभी वो औरत दीपू से बोलती है, बेटा दो गुब्बारे दे दो। दीपू खुश होकर उन्हें दो गुब्बारे दे देता है। तुम्हें ठंड नहीं लगती? इतनी ठंड में बिना जूतों के घूम रहे हो और तुमने गर्म कपड़े भी नहीं पहने। जी, मेरे पास जूते नहीं है और गर्म कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं है, सिर्फ दादी माँ है और अपनी दादी और बहन के साथ रहता हूँ। तभी वो औरत अपनी शॉल उतार कर दीपू को दे देती है और उसे कुछ पैसे भी देती है। ये लो, मेरी ये शॉल ओढ़ लो और ये कुछ पैसे रखो, अपने लिए जूते ले लेना। दीपू पैसे और शॉल ले जाता है और औरत का धन्यवाद करता है। अभी दीपू बहुत खुश था और वो सोचता है, मैं अभी घर जाता हूँ, दादी को बहुत भूख लगी होगी और उनको दवाई भी तो देनी है। दीपू अपने लिए जूते नहीं लेता, वह खाने का कुछ सामान लेकर घर चला जाता है। और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। ठंड और बुखार की वजह से उसकी दादी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। गायत्री के जाने के बाद अब राधा और दीपू बिल्कुल अकेले हो गए थे। कुछ दिनों तक तो बस्ती वालों ने उन बच्चों का साथ दिया और खाने को भी दे दिया करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन दोनों बच्चों को पूछना और खाना देना उन लोगों ने बंद कर दिया। अब दोनों बच्चे भूखे रहने लगे और भूख की वजह से उनको भीख मांगने की नौबत आ गई थी। अभी उनको खाने की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में भटकना पड़ रहा था, ऊपर से ठंड का भी समय था। एक दिन वह भीख मांगते मांगते किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं। वहां चलते चलते उन दोनों को शाम हो जाती है। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, यही रुक जाते है ना? दीपू, आगे कहीं रुकते हैं, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी घर नहीं दिखाई दे रहा। आगे सड़क पर जाते जाते दीपू राधा से बोलता है, दीदी वो देखो आग जल रही है। राधा भी आग को देखती है, दूर से आग जलती दिखाई दे रही थी। हाँ दीपू, लगता है आगे घर है तभी आग जल रही है। दीदी जल्दी चलो, वहाँ जाकर आग सेकते हैं, मेरे तो हाथ पैर सुन पड़ गए हैं। और दीपू भागकर वहाँ चला जाता है और पीछे पीछे राधा भी वहाँ पहुँचती है। राधा देखती है कि वहाँ आसपास और भी जली हुई लकड़ियाँ और जली हुई राख पड़ी हुई थी। राधा उसे देखकर समझ जाती है कि ये शमशान घाट है, जहाँ पर मरे हुए लोगों को जलाया जाता है। और जो आग अभी जली हुई है वो भी किसी की चिता जल रही थी। ये देखकर राधा बहुत डर जाती है। दीपू, हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलो यहाँ से।
दीदी आप क्या बोल रही हो, इतनी ठंड है, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे खुद को गर्म करना है, देखो मेरा पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, चलो यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये जगह ठीक नहीं है। राधा के कहने पर भी दीपू राधा की बात नहीं सुनता और वहीं आग के पास बैठकर आग सेकने लगता है। राधा सब जानते हुए भी दीपू से दोबारा वहां से चलने को नहीं बोलती, क्योंकि इतनी ठंड में उनके पास और कुछ भी नहीं था जिससे वो खुद को गर्म रख सकें। उन्हें उस समय उस आग की बहुत जरूरत थी, इसलिए राधा भी बिना कुछ बोले आग के पास बैठ जाती है। दीदी अगर आज हमें ये आग जली हुई नहीं मिलती तो ठंड के मारे मेरी तो जान ही निकल जानी थी। दीदी आज मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। अगर मम्मी पापा होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, अब तो दादी भी हमें छोड़कर चली गई। वहाँ बैठे बैठे उन दोनों को नींद आ जाती है और वो वहीं आग के पास सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और उसमें बैठी एक औरत की नजर उन बच्चों पर पड़ जाती है। वह गाड़ी से उतरकर उन बच्चों के पास आती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? राधा और दीपू सारी बात उस औरत को बताते हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नए कपड़े और खाना दूंगी और तुम्हारे जैसे और भी बच्चे वहाँ होंगे जिनके साथ तुम पढ़ाई भी कर पाओगे। वो औरत एक एनजीओ चलाती थी और वो ऐसे बेसहारा बच्चों की मदद करती थी। फिर वो औरत उन दोनों बच्चों को अपने साथ वहाँ से ले जाती है और वहाँ और भी बच्चे थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। अब तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो, तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा और पढ़ने के लिए किताबें भी मिलेंगी। किताबें मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। हाँ, और यहाँ और भी बच्चे होंगे, तुम अपने नए दोस्त भी बना सकते हो। फिर राधा और दीपू वहाँ बाकी बच्चों के साथ रहने लगते हैं। मोना एक चूड़ी बेचने का काम करती थी। वो बहुत गरीब थी। उसके दो बच्चे थे, कुणाल और अनु। दोनों अभी छोटे थे। मोना के पति रमेश की पिछले साल कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। उसके इलाज के लिए मोना को अपना सब सामान गिरवी रखना पड़ा ताकि वो अपने पति का इलाज करा सके, पर इन सबके बावजूद भी वो बच नहीं सका। अब सारी जिम्मेदारी मोना के कंधों पर आ गई थी। उसने अपने बच्चों को पालने के लिए चूड़ी बेचने का काम किया। अगर वो एक दिन भी चूड़ी बेचने ना जाए तो रात का खाना मिल पाना भी मुश्किल होता था। उठ जाओ मेरे बच्चों, स्कूल नहीं जाना, चलो देर हो जाएगी, उठो। आप ऐसे कब तक पड़े रहोगे? देखो मैंने क्या बनाया है तुम दोनों के लिए। देखो मैंने तुम दोनों के लिए क्या बनाया है, तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे। आलू का पराठा? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो पहले हाथ मुंह धो लो और फिर खा लेना, और समय से स्कूल चले जाना, लेट मत होना बिल्कुल भी। मैं जरा चूड़ी बेचने जा रही हूँ। मोना गांव में चूड़ी बेचने के लिए चली जाती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। कैसी दी बहन ये हरी चूड़ियाँ? 20 रुपए दर्जन। ठीक है ये दे दो हरी वाली। सुनो अगर हम तुमसे काफी सारी चूड़ियाँ लें तो क्या डिस्काउंट दोगी? आप ले लो, मैं 15 रुपए दर्जन लगा दूंगी। ठीक है कल आना, वो मेरी नंद की बेटी की शादी है और हमारे यहाँ पे सभी सुहागनों को उनकी मन पसंद की चूड़ियाँ दी जाती हैं, तो कल तुम ढेर सारी चूड़ियाँ ले आना। मोना खुश होती है और वो बाजार से काफी सारी चूड़ियाँ खरीद लेती है ताकि कल उस औरत के घर ले जा सके। वो अपनी सारी कमाई उन चूड़ियों को खरीदने में लगा देती है। अगली सुबह मोना सारी चूड़ियाँ लेकर उस औरत के घर पहुँचती है। बहन जी देखिए मैं चूड़ियाँ ले आई हूँ। ओह आ गई आप, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाइए। मोना अपनी सारी चूड़ियाँ अंदर ले जाती है। वहाँ खड़ी सारी औरतें चूड़ियाँ देखती है। क्या बकवास चूड़ियाँ हैं, बाबा आदम के जमाने की चूड़ियाँ उठा के लेके आई है, कोई लेटेस्ट डिजाइन नहीं है क्या? है ना, ये देखिए ये तो पहले वाले से भी रद्दी है। ऐसी चूड़ियां तो हम अपनी नौकरानियों को भी ना पहनने दें। ए चूड़ी वाली, ये अपना बोरिया बस्ता समेटो और कहीं और जाकर अपनी दुकान लगाओ। हमें नहीं खरीदनी तुमसे कोई भी चूड़ी।
थर्ड क्लास चूड़ी और थर्ड क्लास ये चूड़ी बेचने वाली। मोना उनकी खरी खोटी सुनने के बाद रोने लगती है और अपनी सभी चूड़ियां अपने बैग में पैक करके रख देती है। फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। किराए न चुकाने की वजह से मकान मालिक मोना के घर पर आता है। मोना को घर पे न पाने की वजह से वो उसके बच्चों को बोल के जाता है कि वो शाम को आएगा। शाम को जब मोना घर पर आती है, उसके घर पर आते ही मकान मालिक भी वहाँ आ जाता है। अहो भाग्य हमारे जो आपने अपने पैर घर पसारे, पता नहीं कि आपसे मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा। भाई आप तो अंबानी से भी ज्यादा बड़ी बिजनेस संभालती हैं, टाइम कहाँ है आपके पास? क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ओहो गलती और आपसे? नहीं जी नहीं जी, हमसे गलती हो गई आपको अपना घर किराए पर देकर। मुझे याद था आपका किराया देना, पर दरअसल आज सुबह ही मैंने उन पैसों से चूड़ियां खरीद ली, ये सोचकर कि बिक्री अच्छी होगी तो आपके पैसे दे दूंगी। तो लाओ हमारे पैसे। पर मेरी एक चूड़ी भी नहीं बिकी, बस 50 रुपए की ही बिक्री हुई। देखो ऐसे नहीं चलेगा, पहले ही मैं 2 महीने की छूट आपको दे चुका हूँ, ये सोचकर कि विधवा हो और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। पर अब और नहीं, कल तक अगर तुमने किराया दिया तो ठीक है, वरना अपना सामान उठाकर ले जाना। पर मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम अचानक से कैसे कर पाऊंगी, प्लीज मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। नहीं अब और नहीं, मैं पहले ही बहुत इंतजार कर चुका हूँ, अब सर से पानी ऊपर चला गया है। अब आप अगर कल पैसे दे दें तो ठीक है, वरना अपना सामान उठाकर यहाँ से चले जाना। इसके बाद मकान मालिक ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और मोना बहुत उदास हो जाती है। अगर कल सुबह तक उसे पैसे नहीं दिए तो उनके सर पर छत भी नहीं रहेगी। वो अपने सगे संबंधियों के पास मदद के लिए जाती है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। सब तरह तरह के बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मोना एक सुनसान रोड पर अपनी सुध-बुध खोकर चल रही थी कि तभी एक कार उसके पास से गुजरती है जो बहुत तेज होती है और सामने जाकर पेड़ में टकरा जाती है। उस गाड़ी से धुआं निकल रहा था, उसमें एक जवान लड़का और एक 40 साल की औरत बैठी थी। उस औरत के सिर से बहुत खून निकल रहा था। मोना मदद के लिए पुकारती है तो कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। प्लीज मदद करो इनकी, देखो इनके सर से खून निकल रहा है। अरे भाई ये तो एक्सीडेंट है, कौन इस पचड़े में पड़ेगा, पुलिस वाले तो उल्टा हमको ही इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे और हमें ही जेल में डाल देंगे। ऐसे तो ये मर जाएंगे, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। पर कोई भी आदमी आगे नहीं आता। फिर मोना उन दोनों को टैक्सी से हॉस्पिटल तक लेके जाती है। डॉक्टर साहब प्लीज आप इन्हें देखिए ना, इनका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर उनको आईसीयू में ले जाता है और उनका इलाज शुरू करता है। अब वो सेफ है, वैसे आप जानती हैं कौन है वो? जी नहीं। वो शहर के बड़े उद्योगपति कपिल जी की पत्नी है और उनका बेटा है। आपने बिना उन्हें जाने उनकी मदद की, सच में आज भी इंसानियत जिंदा है। मोना इसके बाद घर चली जाती है। उसके बच्चे भी परेशान थे, पर मोना पैसों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। अगली सुबह मकान मालिक आकर उनका सामान आकर घर से निकाल देता है और वो बेघर हो जाते हैं। मोना अपनी चूड़ी की पोटली भी उठा लेती है और उसे रोड पे रख के बेचने लग जाती है। दीदी चूड़ी ले लो, बहुत सुंदर है, आप देख तो लो एक बार। कितने की दी? 20 रुपए दर्जन। मैं तो इसके 2 रुपए भी ना दूं। मोना अपनी किस्मत पर रोती है और अपने पति को याद करती है। अगर आप जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते, आज हमारे बच्चे यूं सड़क पर ना होते, इनका ये हाल ना होता। मैं क्या करूं, मैं तो इतनी मजबूर हूँ कि मैं पी नहीं सकती, क्योंकि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। इतने में डॉक्टर और औरत उसके पास आ जाते हैं। मैडम यही है वो औरत जिन्होंने फरिश्ते की तरह आपकी और आपके बेटे की जान बचाई है। हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में जो खुद से पहले भी किसी को आगे रखते हैं। जी धन्यवाद। आप और आपके बच्चे यहाँ रोड पर क्यों पड़े हैं और आपका सामान यहाँ पर कैसे पड़ा हुआ है? जी कुछ नहीं, बस किस्मत के मारे हैं, हम गरीब आपको कहाँ मिलेंगे, यही रोड तो हमारा सहारा है। आप हमें बताइए क्या हुआ, शायद हम आपकी थोड़ी मदद कर सकें।
हमें कोई तमाशा नहीं बनना। आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हमें आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। ओके, हम आप पर कोई एहसान नहीं करेंगे, हम तो आपको काम देंगे। हाँ, सच में आप हमको काम देंगे? हाँ, और काम के साथ साथ रहने के लिए घर भी, पर वो हम कोई एहसान नहीं कर रहे, वो तो हम अपने सभी वर्कर्स को देते हैं। काम क्या होगा? हमारा पास में ही छोटा सा मॉल है, उसमें हमारा एक छोटा सा ब्राइडल कलेक्शन है, हम चाहते हैं कि आप वो संभाल लें। और हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो ईमानदार हो, मेहनती हो, जो कि सारे गुण आप में हैं। आप पैसे कितने देंगी आंटी? 15,000 रुपए महीना, वो भी कैश में। ठीक है, हम कल से आ जाएंगे। इसके बाद सब ठीक हो जाता है। मोना को इतने बड़े मॉल में उसका मनपसंद काम मिल जाता है और वो अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवा देती है और अपनी जैसी कई छोटी चूड़ी बेचने वालों की मदद भी करती है ताकि किसी और चूड़ी बेचने वाली को वो सब फिर से ना देखना पड़े जो उसने देखा था, ताकि फिर कोई मोना जैसी औरत कमजोर होकर कोई गलत कदम ना उठा सके।